अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कैमटेशिया स्टूडियो में विजुअल इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे। विजुअल इफेक्ट आपके पास, आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑडियो के नीचे बिल्कुल आपको यहाँ पे विजुअल इफेक्ट नजर आ रहे होंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स हैं। आज के लेसन में हम इन इफेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इन इफेक्ट्स के लिए मेरे पास मीडिया में मैंने दो वीडियोज यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं इन वीडियोज को अपने टाइम लाइन के ऊपर एड करता हूँ। जो ऊपर वाली वीडियो है इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको जो भी इफेक्ट अप्लाई करूं आपको क्लियर नजर आए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी इफेक्ट्स मैं अप्लाई करूंगा अपनी वीडियोस के ऊपर, तो आप ये सारे इफेक्ट्स आप पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई शेप्स रखी है उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, वीडियोस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आइकन्स के ऊपर भी, हर एक चीज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, अपने टेक्स्ट के ऊपर, हर चीज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप डिफरेंट चीजों के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर ही अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास बॉर्डर का इफेक्ट है, तो बॉर्डर आप अपनी वीडियोस या पिक्चर्स के ऊपर जो है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप जस्ट अपने बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे और अपने ट्रैक के ऊपर, आप जिस भी ट्रैक के ऊपर ये अप्लाई करना चाह रहे हो बॉर्डर, तो उसके ऊपर आप जस्ट इसको जो है तो ड्रॉप करोगे। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखें, बॉर्डर के नाम से आपके पास प्रॉपर्टी ओपन होगी। आप यहाँ से इस बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा सकते हो, कम करना चाह रहे हो कम कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट कलर है, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से इस बटन से कलर को सिलेक्ट करके उस कलर को भी आप अपने बॉर्डर के ऊपर फिल कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल व्हाइट रखता हूँ, तो व्हाइट बॉर्डर आपको देखें यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बॉर्डर के बाद है आपके पास क्लिप स्पीड। क्लिप स्पीड के ऊपर हम इससे पहले काम कर चुके हैं कि आप अपनी वीडियो या ऑडियो की अगर स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप क्लिप स्पीड की मदद से आप अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ऑडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जस्ट क्लिप स्पीड को अपने ट्रैक के ऊपर आप इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखें प्रॉपर्टी में क्लिप स्पीड आ गया, और आप यहां से इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये काम हम इससे पहले कर चुके हैं। मैं यहां से क्लिप स्पीड को डिलीट करता हूं। नेक्स्ट आपके पास है कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट की मदद से आप अपनी वीडियोज या अपने पिक्चर्स का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको अपने ट्रैक के ऊपर ऐड करता हूँ और यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करता हूँ और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो देखिए आप इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से इस कलर को डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है कलर टेंट। कलर टेंट की मदद से भी आप कलर को ऐड कर सकते हैं। कलर टेंट को मैंने यहाँ पे ऐड किया। आपके पास लाइट टोन है, इसको आपने यहां से फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूँ ये कलर चूज करता हूँ। डार्क टोन को मैं डार्क कलर दे देता हूँ कोई। अब इसकी मदद से आप देखें इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा करके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहां से इसको कलर टेंट को डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कलर आइज। कलर आइज को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। कलर आइज में आप कोई भी कलर सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं यहां से फॉर एग्जांपल ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसके अमाउंट को कम ज्यादा करके आप इसमें कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कलर आइज को मैं यहां से डिलीट करता हूं। तो ये सारे काम थे कलर के ऊपर। कलर के बाद आपके पास आ जाता है कॉर्नर राउंडिंग। आप अपने कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो, इसे कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कॉर्नर राउंडिंग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैं इसको यहाँ पे अपने ट्रैक के ऊपर ऐड करता हूँ। मैं चारों तरफ से इसके कॉर्नर जो है तो उनको राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहां से देखें तो इस पर मैं करता हूँ तो उसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं चारों साइडों से। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से पहले इसको बॉर्डर को डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ एक साइड से, यहां से फॉर एग्जांपल सिर्फ इस साइड से जो है ना ये वाली इस साइड से हो राउंड, तो आप देखो इसको सिलेक्ट करो और यहां से आप इसको राउंड कर सकते हो। या आप चाहते हो नहीं इन दो साइडों से राउंड हो तो आप यहां से इसको राउंड कर सकते हो। रेडियस जितना बढ़ाओगे उतना राउंड होगा और इसकी मदद से आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ कलर राउंडिंग को। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है डिवाइस फ्रेम। डिवाइस फ्रेम भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। इसी मदद से आप अपनी फॉर एग्जांपल मैं डिवाइस फ्रेम के लिए मैं इसे साइज बढ़ा देता हूँ, फुल करता हूँ। ओके, अब इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाए,
इस फ्रेम को मैं उठाऊंगा और यहाँ पे वीडियो के ऊपर ऐड करूंगा। देखिए ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये फ्रेम के ऊपर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम्स आपके पास आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं, डेस्कटॉप है, आईफोन, आईफोन की फ्रेम आ जाती है, मैकबुक प्रो आ जाता है, गूगल पिक्सल। अब डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम ऐड करके अपने वीडियोस को इन फ्रेम्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिवाइस फ्रेम को साइज का छोटा करता हूँ थोड़ा। फिर से आप साइज इसका कम हो फिर भी आप फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह होगा कि आपका जितना साइज होगा इतने में फ्रेम वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें डिवाइस फ्रेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसी साइज में ये फ्रेम ऐड हुई है, तो आप यहां से फ्रेम ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो इसके ऊपर जो है तो स्ट्राइक के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो आप कोई भी शेडो अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। शेडो का एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे ये वाला एंगल देता हूँ, ऑफसेट इसका बढ़ाता हूँ मैं। देखें तो ये ऑफसेट बढ़ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो देखें ये शेडो इसका ऑफसेट इसका ज्यादा हो रहा है, ओपेसिटी कम ज्यादा करना चाहिए ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्लर ज्यादा ये कम करना चाहिए यहाँ से आप ब्लर भी कम ज्यादा कर सकते हैं, एंगल इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप, और इसका कलर जो है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर शेडो अप्लाई हो चुका है। ड्रॉप शेडो के बाद आप बस ग्लो, आप अपनी वीडियो या पिक्चर्स को ग्लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्लो भी कर सकते हैं। ग्लो के लिए मैं जस्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अपने ट्रैक के ऊपर इसको मैं ऐड करूंगा, तो देखें ये ऑटोमेटिकली वीडियो जो ग्लो हो चुकी है। और ग्लो के लिए आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ग्लो की प्रॉपर्टी है, ग्लो के लिए इस ग्लो का रेडियस आप कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी भी आप यहाँ से कम ज्यादा करना चाहें आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये था विजुअल इफेक्ट की कुछ चीजें जिनके ऊपर हमने काम किया। नेक्स्ट लेसन में हम इंटरएक्टिव हॉटस्पॉट से आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में मुझे फॉलो जरूर करें क्योंकि मैं यूट्यूब और फेसबुक में डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।